एग्जाम में दो तीन मंथ ही तो बचे अब क्या ही कर लूँगी मैं है ना mm, कितना मज़ा आ रहा है ना कुकिंग करने में एंड uh, सीलिंग कितनी अच्छी लग रही है चलो थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं ठीक है ठीके? क्या हो पाएगा अब 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 कुछ हो ही नहीं सकता अब इतना टाइम बचा ही नहीं है हाउ कैन आई जस्ट कंप्लीट माय सिलेबस और क्या ही हो जाएगा है ना अ पीस ऑफ पेपर कान डिसाइड माय फ्यूचर राइट right, ये सारी बातें आप अपने आप को बोल रहे हो बच्चों आपको पता है अभी आपके साथ क्या हो रहा है आप अपने मोटिवेशन को लूज कर रहे हो धीरे धीरे आपका जो मोटिवेशन है ना वो रिड्यूज होता जा रहा है याद करो वो पहला दिन जब तुमने ट्वेल्थ में एंट्री ली थी और क्या कहा था अपने आप से कि यार मैं इतना परसेंटेज लेके आने वाला हूं ट्वेल्थ में 12th क्लास में मैं रॉक करने वाला हूं ठीक है 12th क्लास इज गोइंग टू बी माय बेस्ट क्लास आप क्या कर रहे हो बच्चों आप सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो आप पढ़ नहीं रहे हो पढ़ाई को छोड़ के आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है एवरीथिंग आपके आसपास जो है आपको सब अच्छा लग रहा है सिवाय आपकी किताबों के और अभी इस टाइम पे योर बुक्स शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड आपने नोटिस किया आप मोटिवेशन लूज कर रहे हो हाई स्टूडेंट्स आई एम शिवानी शर्मा योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल क्लास ट्वेल्थ बाई अन अकेडमी बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज ये मोटिवेशन लेवल कम क्यों होता जा रहा है पढ़ाई पे फोकस करना है मैं क्यों पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं क्यों उठ के बैठ नहीं पा रहा क्यों मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा वाई आई एम नॉट कंप्लीटिंग माई सिलेबस क्यों मैं टेस्ट नहीं लिख रहा जबकि यार अब तो हाई टाइम आ चुका है कि मुझे अपना टू हंड्रेड परसेंट देना है वाई आई एम नॉट स्टार्टिंग यू आर लूजिंग योर मोटिवेशन हमें गियर अप करने की जरूरत है बच्चों अब ठीक है फिर से उठना होगा पढ़ना होगा बैठना होगा भाई पढ़ो मोटिवेशन नहीं आ रहा अच्छा ठीक है टेल मी योर गोल्स जब ट्वेल्थ में आपने एंट्री की थी व्हाट यू डिसाइडेड कितना परसेंटेज लाना था बच्चों क्या सपना देखा था आपने 95 फाइव परसेंट नाइन्टी परसेंट एटी फाइव परसेंट वट एवर जो भी आपने सोचा था प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन नाइनटी एट परसेंट राइट तो एक काम करो आपका जो गोल था ना जो आपने सोचा था उसे अभी के अभी एक शीट पे लिखो और सुबह उठते से ही सबसे पहली नजर आपकी जहां जाती है ना वहां पे जाके उसे पेस्ट कर दो आप जहां बैठ के पढ़ते हो उस वॉल पे पेस्ट कर दो कि यार मुझे अपने टेबल चेयर को छोड़ना नहीं है क्योंकि मुझे इतना परसेंटेज लाना है नाउ इट्स हाई टाइम इफ यू आर लूजिंग योर मोटिवेशन लिखो भाई कि तुम्हारा गोल क्या था क्या तुम अचीव करना चाहते थे ओके तो बच्चों इससे यार तुमको बार बार ये याद आएगा कि नहीं आलस नहीं करना है बार बार मन ऐसा कहता है ना कि ठीक है यार क्या ही हो जाएगा थोड़ा आराम कर लेते हैं थोड़ा फोन चला लेते हैं थोड़ा घूम के आ जाते हैं क्या ही हो जाएगा क्या यूज है ये ये इंटीग्रेशन का क्या यूज है लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पड़ रहे हैं अपन केमिस्ट्री में ये बॉन्ड्स क्यों सीख रहे हैं अपन इसका क्या यूज है है ना ये ही सोचते हो ना आलस कहता है कि रहने दो यार क्या कर लोगे पढ़ के आधे घंटे थोड़ा और फोन चला लेते हैं थोड़ा घूम के आ जाते हैं थोड़ा फ्रेंड से बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैसेज सेंड कर देते हैं ठीक है थीके? क्या ही हो जाएगा पढ़ के भाई जैसे ही ये फीलिंग तुम्हारे अंदर आने लगे ना उस फीलिंग को शांत कर देना क्योंकि तुम्हें पता है तुम अभी ये सोच रहे हो कि यार कोई तो नहीं पढ़ रहा होगा मैं क्या करूं पढ़ के थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं बच्चों जिस वक्त आप बैठ के रिलैक्स कर रहे होगे ना आपके ही क्लास का एक बच्चा होगा जो दिन रात मेहनत कर रहा होगा एंड आपके ही फ्रेंड्स होंगे जो बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन आप आप क्या कर रहे हो आप अपनी स्टडीज को इग्नोर कर रहे हो तुम सोच रहे हो क्या हो जाएगा इससे ठीक है और फिर जब एग्जाम का दिन हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा एंड देन आपके फोन यहाँ वहां रिंग हो रहे होंगे एंड एवरी वन विल बी से यार इतना परसेंटेज आ गया एंड यू विल बी थिंकिंग इसका इतना परसेंटेज कैसे आ गया भाई ये तो पढ़ता नहीं था या पढ़ती नहीं थी हाउ फिर रिग्रेट होगा यार इसने कर लिया मैं भी तो कर सकता था इतना डिफिकल्ट नहीं था इंटीग्रेशन वैसे देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट नहीं था केमिस्ट्री समझना इतना डिफिकल्ट नहीं था फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं था बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके तो यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा यू you नो know, बच्चों जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना वो सबसे बेकार होती है अभी कुछ टाइम के कुछ टाइम के रिलैक्सेशन uh, के लिए इफ यू आर इग्नोरिंग योर स्टडीज ना जब रिजल्ट आएगा यू विल रिग्रेट क्या मैं पढ़ सकता था मैंने नहीं पढ़ा इफ यू आर लूजिंग योर मोटिवेशन थिंक ऑफ दिस सिनेरियो सोचो इसे जरा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एम हंड्रेड परसेंट श्योर एवरी वन एवरी वन लव दर पेरेंट्स राइट कितनी मेहनत करते हैं ना आपके लिए हम सबके लिए हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं दिन रात दे आर वर्किंग सो हार्ड कि यार मैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकूं, है ना उसको अच्छा कोर्स दिला सकूं, उसको यार पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना जाए ठंड का वक्त आ रहा है मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है उसके रजिस्टर्स ख़त्म हो गए हैं तो आई शुड जस्ट बाय सम न्यू रजिस्टर्स और दी सैम्पल पेपर्स और दी प्रैक्टिस पेपर्स मतलब मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है मम्मी रोज रात को आ रही हैं आपको आ, आप जहाँ बैठे हो ठीक है मम्मी आपको पूरा खाना खा, खाना प्रोवाइड कर रही है ठीक है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसको सब कुछ मिलना चाहिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको उसको जो चाहिए आई विल गिव दैम बट अब आपके आपने कोर्स ले लिया आप पढ़ नहीं रहे हो आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो तो वो सिचुएशन को देखो कि यार आपके पेरेंट्स को कितना हर्ट होगा ना कि यार मैं अपना हंड्रेड परसेंट दे रहा हूँ वाई मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है उसका मोटिवेशन कहाँ चला गया एक बार सोचो एक बार अपने पेरेंट्स की जगह पे अपने आप को रख के देखो बच्चों आपको अपने आप मोटिवेशन आएगा ठीक है यू कैन डू इट दे आर प्रोवाइडिंग यूर रिसोर्सिस प्लीज मेक यूज ऑफ देट रिसोर्सिस आलस को छोड़ दो बच्चो यू कैन डू इट एंड ऑलवेज रिमेंबर इफ नॉट यू देन हु अगर तुम अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर नहीं बनोगे तो कौन बनेगा बच्चा मेन कैरेक्टर कैसे होते हैं मैम बैठ के बस फोन चला रहे हैं सो रहे हैं काम को कल के लिए परसों के लिए टाल रहे हैं ऐसे नहीं होते ना मेन कैरेक्टर बच्चों गिव योर हंड्रेड परसेंट यू कैन डू इट मैम अब तो टाइम भी कम बचा है, no, नो आप अभी भी कर सकते हो स्टिल आप अभी भी बैठ के पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो इफ यू आर लूजिंग योर मोटिवेशन प्लीज थिंक ऑफ ऑल दीज सीनास और अगर आप मोटिवेट हो चुके हो आपको अपनी गलती दिख गई है तो बच्चों पढ़ना चालू कर दो और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि अभी लास्ट का जितना भी समय बचा है ना अगर तुम मेहनत करोगे तुम डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड डेफिनेटली यार तुम्हारे चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी मुस्कान होगी जब तुम अपने को देखोगे यस आई एम वर्किंग हार्ड अच्छा लग रहा है यार पढ़ के इतना बुरा नहीं था इतना मुश्किल नहीं था ओके यू विल बी फीलिंग सो हैप्पी एंड इफ यू आर हैप्पी डेफिनेटली आपके पेरेंट्स भी हैप्पी होंगे सो ऑल द बेस्ट बच्चों तैयारी अपनी अच्छी से करो